आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में। ये वीडियो आम वीडियो से थोड़ी बड़ी हो गई है और इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में एक टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से कुछ सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। अगर बात की जाए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, तो ये सिस्टम कारगिल युद्ध में बहुत ज्यादा यूज किया गया था और ये सिस्टम उस युद्ध में काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहा था। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये सिस्टम किस तरीके की एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि दुश्मन का एक इलाका है जिसके ऊपर आपको अटैक करना है और ये इलाका आर्मर्ड व्हीकल से प्रोटेक्टेड है। इस तरीके के सिनेरियो में पहले आप आर्टिलरी से शेलिंग करेंगे, जिससे दुश्मन की आर्मर्ड फॉर्मेशन खराब हो जाएगी और इस शेलिंग के दौरान कई सारे आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त भी हो जाएंगे। एक बार जब ये आर्मर्ड व्हीकल तितर बितर हो जाएंगे, तब आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस एरिया में लीप इन करेगी और बचे खुचे आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। आर्टिलरी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। शुरुआत में कवर फायर देने के लिए आर्चर्स का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद ट्रबुशे का प्रयोग किया जाने लगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्रबुशे है। ये एक तरीके की मैकेनिज्म होती थी जहां एक तरफ काफी ज्यादा वजन होता था, वहीं दूसरी तरफ पत्थर के शेल्स होते थे, और जब ये भारी वजन नीचे गिरता था तो ये पत्थर के शेल्स काफी दूर जाके गिरते थे। गन पाउडर के इन्वेंशन के बाद में इसकी जगह कैनन ने ले ली और धीरे धीरे करके आर्टिलरी गन्स इस रोल में आ गई। अगर बात की जाए आर्टिलरी गन्स की, तो आज की तारीख में आर्टिलरी गन्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ये गन्स किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती हैं। लेकिन आर्टिलरी गन्स के साथ दो परेशानियां हैं। पहली परेशानी, इन गन्स की रेंज काफी ज्यादा लिमिटेड है। अगर बात की जाए एटैक्स की, तो आज की तारीख में DRDO द्वारा निर्मित एटैक्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है, लेकिन बावजूद इसके आर्टिलरी गन्स की रेंज बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती। वहीं दूसरी परेशानी है इनका रेट ऑफ फायर को लेकर। आज की तारीख में जो गन्स हैं, इनका रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी इनका रेट ऑफ फायर उतना अच्छा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे सके। जब दुश्मन के ऊपर पहला शेल गिरता है तो वो सचेत हो जाता है और दूसरे शेल आते आते लोग बंकर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, जिससे डैमेज कम होता है। ऐसा नहीं है आर्टिलरी गन्स की रेंज बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। विश्व युद्ध एक के दौरान जर्मनी ने पेरिस गन का निर्माण किया था। ये गन जर्मनी से पेरिस में अपने शेल्स गिराती थी तकरीबन 120 किलोमीटर दूर। इस गन का कैलिबर था 238 mm, यानी 238 mm। इसकी रेंज 120 से 130 किलोमीटर बताई जाती है। इस गन का वजन 256 टन था। ये गन रेलवे ट्रैक्स पर मूव की जाती थी और इस गन का बैरल 55 डिग्री के एलिवेशन तक जा सकता था। इतनी ज्यादा रेंज के बाद भी इस गन की रेंज काफी नहीं थी कि लंदन पर शेल गिराए जा सके, और इसीलिए कोशिश की जाती रही और भी लंबी दूरी के आर्टिलरी सिस्टम्स डेवलप करने की। पेरिस गन की रेंज को सरपास किया V2 रॉकेट ने। टेक्निकली V2 रॉकेट वर्ल्ड की सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसको वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अलाइड फोर्सेस की सिटीज के ऊपर अटैक करने के लिए यूज किया गया था। एक अनुमान के हिसाब से वर्ल्ड वॉर टू के दौरान तकरीबन 3000 V2 रॉकेट अलाइड सिटीज पर मारे गए थे और केवल लंदन में तकरीबन 9000 लोग इन अटैक्स के कारण मारे गए थे। लेकिन V2 रॉकेट्स में भी रेंज तो थी, लेकिन रेट ऑफ फायर इनका भी काफी ज्यादा कम था। और धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, आगे चलकर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और इस तरीके के सिस्टम में रेंज और रेट ऑफ फायर दोनों था। ये नए सिस्टम्स पलक झपकते ही इतने सारे रॉकेट चला सकते थे कि दुश्मन के पास समय नहीं होता था कि वो बंकर में जा सके, और एरिया फ्लैटनिंग के लिए MBRL से अच्छा कोई और टूल है ही नहीं। अगर नजर डाली जाए भारतीय सेना के आर्सेनल पर, तो भारतीय सेना के पास 3 अलग अलग तरीके के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं, जिसमें सबसे पुराना सिस्टम BM-21 ग्रैड है। इस सिस्टम में 40 बैरल्स हैं, यानी कि ये सिस्टम एक बार में 40 रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसका फायरिंग रेट है 2 रॉकेट पर सेकेंड,
इस सिस्टम की रेंज है 30 किलोमीटर की और अभी भारतीय सेना का ये सिस्टम अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड के बाद इस 122 एमएम कैलिबर वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर हो गई है और भारतीय सेना के पास तकरीबन 150 ऐसी यूनिट्स हैं। ये सभी सिस्टम्स सोवियत यूनियन से खरीदे गए थे और आज भी ये सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हायर कैलिबर कैटेगरी में भारतीय सेना के पास BM-30 स्मर्च है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में 12 बैरल्स हैं और ये 12 के 12 राउंड्स केवल 30 सेकंड्स में लॉन्च कर सकता है। इस सिस्टम में प्रयोग किया जाता है 300 मिलीमीटर कैलिबर वाले रॉकेट्स का और इन रॉकेट्स की रेंज है 90 किलोमीटर। भारतीय सेना 62 ऐसे सिस्टम्स का प्रयोग करती है। ये सिस्टम्स रशिया से खरीदे गए थे और जब रशिया से इस सिस्टम को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगी गई तो रशिया ने इस चीज के लिए मना कर दिया। हालांकि उस समय तक DRDO पिनाका सिस्टम में काफी आगे बढ़ चुका था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इस सिस्टम को DRDO बनाता है। फिलहाल इस सिस्टम के दो वर्जन हैं, पिनाका मार्क 1 और पिनाका मार्क 2। पिनाका मार्क 2 का एक गाइडेड वर्जन भी बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को साल 1981 में मंजूरी मिली थी और उसके बाद साल 1983 में इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर GSQR यानी कि जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट DRDO को दे दिए थे और इसके 3 साल बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया यानी कि साल 1986 में और अगले 6 साल में इस सिस्टम को बनाकर तैयार कर दिया गया था। इस सिस्टम को बनाया था DRDO की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ARDE ने। फिलहाल इस सिस्टम के दो संस्करण हैं, पिनाका मार्क 1 और पिनाका मार्क 2। आने वाले समय में पिनाका मार्क 3 भी बनाया जाएगा। इस सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर की होगी। अगर इसको कंपेयर किया जाए पिनाका मार्क 1 से तो अभी के पिनाका मार्क 1 की रेंज 45 किलोमीटर की है। इस सिस्टम के ऊपर रेंज एनहांसमेंट प्रोग्राम किया गया था। पिनाका मार्क 2 के दो संस्करण हैं, एक गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। अनगाइडेड सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर की है और फिलहाल गाइडेड सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर के आसपास है। इंडक्शन से पहले गाइडेड सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर तक की जाएगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रेंज दी गई है ये DRDO के डॉक्यूमेंट से ली गई है और इनमें ये जो रेंजेस दी गई हैं ये टेस्टेड रेंज है। एक्चुअल रेंजेस और भी ज्यादा होंगी। प्लान के तहत पिनाका मार्क 3 120 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम होगा और ये सिस्टम आने के बाद भारतीय सेना की मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। आमतौर पर जब इन सिस्टम्स को देखा जाता है तो बस एक लॉन्चर को देखा जाता है जो बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ चला रहा होता है। ये सिस्टम एक्चुअली 12 रॉकेट 44 सेकंड में फायर कर सकता है, लेकिन ये सिस्टम अलग अलग मोड्स में भी काम कर सकता है जैसे कि ऑटोनोमस मोड। इस मोड में इस सिस्टम का फायर कंट्रोल कंप्यूटर इस सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और फायर के बाद ऑपरेटर को स्टेटस दे देता है। स्टैंड अलोन मोड में ये सिस्टम फायर कंट्रोल कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता है और इसका कंट्रोलर मैन्युअली इसमें कमांड ऐड करके इसको ऑपरेट करता है। रिमोट मोड में इसका कमांडर तकरीबन 200 मीटर दूर बैठा हुआ होता है और वहां से वो इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अगर इस सिस्टम के माइक्रो प्रोसेसर्स और कंट्रोलर्स फेल हो जाते हैं तब भी ये सिस्टम पूरी तरीके से मैनुअल मोड में ऑपरेट कर सकता है। इस मोड को कहते हैं मैनुअल मोड। अगर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बैटरी को करीब से देखा जाए तो इस सिस्टम में 6 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर में 2 रॉकेट पॉड्स होते हैं और हर रॉकेट पॉड में 6 रॉकेट्स होते हैं यानी कि एक लॉन्चर में 12 रॉकेट्स। इन 6 के 6 लॉन्चर्स के साथ में एक लोडर व्हीकल भी होता है। ये लोडर व्हीकल इन लॉन्चर्स को रीलोड करने में मदद करता है। जब लॉन्चर्स अपने पूरे के पूरे रॉकेट मार चुके होते हैं तो ये लोडर व्हीकल खाली पॉड्स को नीचे उतारता है और भरे हुए पॉड्स को वापस से इन सिस्टम्स के ऊपर लगाता है। एक बैटरी में 6 लोडर भी होते हैं यानी कि हर लॉन्चर के साथ में एक लोडर व्हीकल होता है और एक बैटरी में 6 लोडर होते हैं। हर बैटरी के साथ में एक मेट्रोलॉजिकल रेडार सिस्टम होता है। ये रेडार सिस्टम विंड की स्पीड, बाहर का तापमान और जगह के मॉइस्चर कंटेंट का डेटा ऑपरेटर तक पहुंचाता है और ये सारा का सारा डेटा इस रॉकेट की ट्रेजेक्टरी को करेक्ट करने में यूज किया जाता है। हर एक बैटरी में एक या दो कमांड पोस्ट होती हैं। ये कमांड पोस्ट का नंबर डिप्लॉयड एरिया के टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सारे लॉन्चर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, तो केवल एक कमांड पोस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये सिस्टम दूर दूर हैं, तो इन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए 2 कमांड पोस्ट की आवश्यकता होती है।
अगर बात की जाए इस सिस्टम की एक रेजिमेंट के बारे में, तो इस सिस्टम की एक रेजिमेंट में 3 बैटरी होती हैं और ये तीनों की तीनों बैटरीज को DRDO आर्टिलरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ये DRDO आर्टिलरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आमतौर पर सैटेलाइट और UAV से डेटा लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद में बैटरी लेवल कमांड पोस्ट को ये डेटा पहुंचा देता है। इंडियन आर्मी सर्चर 1, सर्चर 2 और हेरॉन ऑपरेट करती है। ये ड्रोन आर्टिलरी करेक्शन में बहुत ज्यादा हैंडी आते हैं। आने वाले समय में ये सिस्टम स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे, जिसके बाद इनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इंडियन आर्मी के पास में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 7 रेजिमेंट हैं और 3 रेजिमेंट ऑर्डर्स पर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 और रेजिमेंट क्लियर कर दी हैं और आने वाले समय में ये रेजिमेंट्स भी इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं पिनाका रॉकेट को नजदीक से। अगर देखा जाए पिनाका रॉकेट को, तो इसके टिप पर इस रॉकेट का फ्यूज होता है। इस फ्यूज के बिल्कुल पीछे गाइडेड रॉकेट की गाइडेंस किट होती है, उसके पीछे इस सिस्टम का वॉरहेड होता है, फिर प्रोपल्शन सिस्टम और आखिर में इसका स्टेबलाइजेशन सिस्टम। आइए देखते हैं इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और इसका पूरे रॉकेट की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम में यूज किए जाने वाले फ्यूजेस के बारे में। फ्यूज का मेन काम होता है इसके वॉरहेड को बताना कि कब वॉरहेड डिप्लॉय करना है। इन रॉकेट्स में 3 अलग अलग तरीके के फ्यूज यूज किए जाते हैं। ये फ्यूज होते हैं VT फ्यूज, ET फ्यूज और DASD फ्यूज। अगर बात की जाए VT फ्यूज की, तो VT का मतलब है वेरिएबल टाइम, यानी कि ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है। ये फ्यूज 2 मोड में काम करता है। पहला मोड रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रॉक्सिमिटी मोड में। इस मोड में ये फ्यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हाइट ऑफ ब्लास्ट जांचता है और जैसे ही ये रॉकेट अपने टारगेट के 10 मीटर की दूरी पर होता है, यानी कि हाइट ऑफ ब्लास्ट 10 मीटर की होती है, तो ये वॉरहेड को कमांड दे देता है कि ये करेक्ट हाइट ऑफ ब्लास्ट है और वॉरहेड डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन अगर ये फ्यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से करेक्ट हाइट ऑफ ब्लास्ट नहीं पहचान पाता और ये रॉकेट टारगेट के ऊपर जाके गिर जाता है, तो ये फ्यूज इम्पैक्ट पर भी डेटोनेट करता है। अगर बात की जाए ET फ्यूज की, तो ET का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टाइम। ये फ्यूज एक प्री डिफाइंड टाइम के बाद अपने आप डेटोनेटर को डेटोनेशन कमांड दे देते हैं। सैटेलाइट और UAV से मिले हुए डेटा के हिसाब से टारगेट की लोकेशन पूरी तरीके से पहले से पता होती है और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक टाइम इस फ्यूज में फीड कर दिया जाता है। जैसे ही ये फ्यूज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइम पर पहुंचता है, वैसे ही इस सिस्टम के अंदर मौजूद टर्बो जनरेटर या फिर थर्मल बैटरी इसके वॉरहेड को एक्टिवेट कर देती हैं और ये वॉरहेड जाकर अपने टारगेट को ध्वस्त कर देते हैं। DASD फ्यूज यानी कि डायरेक्ट एक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्ट फ्यूज एक ड्यूअल पर्पस फ्यूज है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे वॉरहेड को समझने के बाद। अब बात करते हैं वॉरहेड्स के बारे में। PF वॉरहेड यानी कि प्री फॉर्म फ्रेगमेंट वॉरहेड। इस प्रकार के वॉरहेड में एक्सप्लोरर पैलेट सेंटर में होते हैं और इनके चारों तरफ टंगस्टन लगा हुआ होता है। ये सेंटर में जो एक्सप्लोजिव होता है ये डेटोनेक्स होता है और जैसे ही फ्यूज से कमांड आती है ये डेटोनेक्स एक्सप्लोड हो जाता है। इस तरीके के वॉरहेड में 2 लेयर में टंगस्टन होता है और ये 6 mm के फ्रेगमेंट एक तरीके के स्पीयर का काम करता है। यहाँ स्पीयर का मतलब भाला है। इस वॉरहेड की इम्पैक्ट रेडियस 60 मीटर की होती है, यानी कि 60 मीटर के दायरे में ये किसी भी सॉफ्ट स्किन टारगेट को बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगला वॉरहेड है इंसेंट्री वॉरहेड। इंसेंट्री का मतलब है ऐसा वॉरहेड जो आग लगाने के काम आता है। इस तरीके के वॉरहेड में बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इस वॉरहेड में ऐसे 5 कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर ये पदार्थ रखा जाता है और इसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। जैसे ही ये वॉरहेड अपने टारगेट के ऊपर पहुंचता है और फ्यूज की तरफ से डेटोनेशन कमांड आती है, तो ये कंटेनर फैल जाते हैं और एक बड़े एरिया में आग लगा देते हैं। इस तरीके के वॉरहेड आमतौर पर एमिनेशन डिपो या फ्यूल टैंक्स के ऊपर यूज किए जाते हैं। इस तरीके के वॉरहेड की हाइट ऑफ ब्लास्ट तकरीबन 300 मीटर की होती है और ये वॉरहेड तकरीबन 60 मीटर के एरिया को पूरी तरीके से जला के नष्ट कर देता है। अगला टाइप है सबम्यूनिशन वॉरहेड। इस वॉरहेड के अंदर छोटे छोटे सबम्यूनिशन होते हैं और ये 3 अलग अलग तरीके के वॉरहेड्स होते हैं। ये वॉरहेड्स होते हैं एंटी टैंक म्यूनिशन, सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन और ड्यूअल पर्पस इम्प्रूव कन्वेंशनल म्यूनिशन।
इस तरीके के म्यूनिशंस को ये रॉकेट अपने टर्मिनल फेस पर छिड़कता हुआ आगे चला जाता है और इस तरीके के म्यूनिशन काफी ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। अगर बात की जाए पिनाका रॉकेट की तो इसमें एंटी टैंक म्यूनिशन 18 होते हैं और अगर ये वॉरहेड सॉफ्ट टारगेट के लिए है तो इसमें 48 म्यूनिशंस होते हैं और ड्यूअल पर्पस मोड में ये तकरीबन 26 म्यूनिशन कैरी करता है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि जब हम लोग वॉरहेड्स के बारे में बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे DASD फ्यूज के बारे में। DASD फ्यूज मतलब डायरेक्ट एक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्ट फ्यूज और इस तरीके के फ्यूज ड्यूअल पर्पस इम्प्रूव कन्वेंशनल म्यूनिशन के साथ यूज किए जाते हैं। ये फ्यूज दोनों मोड में काम कर सकता है, इम्पैक्ट होने पर या इम्पैक्ट से पहले, और इसी वजह से ये ड्यूअल मोड म्यूनिशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूज है। अगला म्यूनिशन है थर्मोबारिक म्यूनिशन। इस तरीके के म्यूनिशन में स्लो बर्निंग एक्सप्लोजिव्स का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके के म्यूनिशन आमतौर पर अपने टारगेट के ऊपर काफी ज्यादा देर तक जलते रहते हैं। इस तरीके के म्यूनिशन से जो बर्निंग क्लाउड बनता है वो छोटे छोटे क्रैक्स और गैप्स के अंदर जाकर अपने टारगेट को बड़ी ही आसानी से नष्ट कर सकता है। इस तरीके के वॉरहेड्स में फ्यूल रिच एक्सप्लोजिव्स का प्रयोग किया जाता है जिसके वजह से ये बाद में आसपास की चीजों को भी जला देते हैं। अब बात करते हैं इस सिस्टम के प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। आमतौर पर रॉकेट्स में यूज किया जाने वाला प्रोपल्शन सिस्टम डबल बेस प्रोपेलेंट होता है। इस डबल बेस प्रोपेलेंट सिस्टम में नाइट्रो सेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। इस मिक्सचर को कहा जाता है स्मोकलेस पाउडर और इस तरीके के सिस्टम का स्पेसिफिक इम्पल्स 200 से 250 सेकेंड्स का होता है। लंबी रेंज रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे तरीके के प्रोपेलेंट का प्रयोग शुरू किया गया और इस तरीके का प्रोपेलेंट अभी पिनाका में प्रयोग किया जाता है। इस प्रोपेलेंट में अमोनियम परक्लोराइड, एल्यूमिनियम पाउडर, हाइड्रोऑक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और थोड़े से प्लास्टिसाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस तरीके के प्रोपेलेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा सही नहीं होती हैं और इसी वजह से एक हाइब्रिड सिस्टम पर काम किया जा रहा है जो आने वाले पिनाका मार्क 3 में यूज किया जाएगा। प्रोपेलेंट को जिस तरीके से स्टोर किया जाता है उसको ग्रेन्स कहा जाता है। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में इग्नाइटर होता है, यानी कि वो मैकेनिज्म जो इस रॉकेट को स्टार्ट करती है, और ये इग्नाइटर आर्मिंग मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही लॉन्च कमांड आती है वैसे ही ये आर्मिंग मैकेनिज्म इग्नाइटर को इग्नाइट कर देती है और रॉकेट मोटर स्टार्ट हो जाती है। पिनाका मार्क 1 और पिनाका मार्क 2 के ग्रेन प्लेसमेंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है और ये भी एक कारण है कि पिनाका मार्क 2 की रेंज पिनाका मार्क 1 से ज्यादा है। अगर बात की जाए इस सिस्टम के स्टेबलाइजेशन असेंबली की तो इस सिस्टम में फिन्स का प्रयोग किया जाता है। इस रॉकेट को कॉम्पैक्ट रखने के लिए इन फिन्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये रॉकेट की बॉडी पर रैप अराउंड हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं इस रॉकेट की बॉडी के आसपास, और जब डिप्लॉय किया जाता है तो ये फिन्स खुल जाती हैं। लेकिन इस तरीके की मैकेनिज्म की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हाई स्पीड पर इस सिस्टम में डायनेमिक इनस्टेबिलिटीज आ जाती हैं और इसीलिए पिनाका मार्क 2 में फ्लैट फिन्स का प्रयोग किया गया है। पिनाका मार्क 1 की तुलना में पिनाका मार्क 2 में 2 एक्स्ट्रा फिन्स हैं। पिनाका मार्क 1 में 4 फिन्स थे, मार्क 2 में 6 फिन्स हैं, और ये फ्लैट फिन्स उतने ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हैं, लेकिन नंबर इंक्रीज होने के कारण ये काफी हद तक कॉम्पैक्ट हैं। पिनाका एक बहुत ही बेहतरीन और कारगर सिस्टम है और इस सिस्टम के डेवलपमेंट ने ये दिखा दिया है कि भारत किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी बना सकता है, और जब भी कोई देश भारत को टेक्नोलॉजी डिनाई करता है वो भारत के इंटरेस्ट में होता है। जय हिंद, जय मां भारती। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।